ज्वाइन करने का। यासिर शाह मलिक हमारे साथ हैं आज। हम यासिर से मैं जरा थोड़ा सा पूछूंगा कैसे रही 3 दिन की ट्रेनिंग। यासिर थोड़ा सा हमें बताइएगा आपकी ट्रेनिंग कैसी रही 3 दिन की, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ स्टार्ट करेंगे प्लीज। ये कि जितने भी हम यहाँ पे प्रैक्टिस किए 3 दिन बहुत अच्छी रही है, और मैच सुनहरी प्रैक्टिस की है पहले 2 दिन और आज तो सा ऑप्शनल प्रैक्टिस थी, लेकिन तीनों दिन बहुत अच्छा रहा और सबको बॉलिंग भी ज्यादा की है जिस तरह मैच के लिए टेस्ट मैच के लिए प्रिपरेशन होनी चाहिए, तो उस हिसाब से अच्छी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस अच्छी हो रही है। यासिर जी, खालिद भाई, देन जुबैर एंड देन शुएब प्लीज। यासिर अस्सलाम वालेकुम, खैरियत सलाम से हो? अल्लाह अच्छा, के शुक्र है। मेरा मेरा से सवाल आपसे ये है, क्योंकि आप भी लेग स्पिनर और सबसे टीम के सीनियर स्पिनर हैं आप, और आप तो टीम के सीनियर मेंबर भी हैं। 43 टेस्ट में आपने 227 आउट किए। मेरा सवाल ये है कि जब से मिसबाह और सरफराज की कप्तानी के बाद से आप जो हम रिकॉर्ड देख रहे हैं उसमें आप स्ट्रगल करते नजर आ रहे हो। आपने मिसबाह की कप्तानी में 26 टेस्ट में 149 विकेटें ली, जिसमें आपके 11 5 फॉर थे और टू 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 दो दफा आपने मैच में 10 से ज्यादा आउट किए। और इसी तरह सरफराज की कप्तानी में 9 मैच में आपने 54 आउट किए 25 की एवरेज से, और 5 दफा आपने 5 विकेट लिए, लेकिन उसके बाद स्ट्रगल करते नजर आ रहे। फिर दूसरा ये कि पाकिस्तान में जब से इंटरनेट क्रिकेट वापस आई है आपका रिकॉर्ड इतना उतना साजगार नहीं रहा जैसे रहना चाहिए। आपके 2 टेस्ट में 6 आउट है, 44 की एवरेज है, बल्कि 45 की समझ लें। और फिर साउथ अफ्रीका पे आ जाइए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपने 2 टेस्ट खेला, सिर्फ 1 आउट है। तो ये इन सारी चीजों को आपके जहन में सब चीजें चल रही होंगी ऑब्वियसली, कि परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं आ रही जैसे पहले आती थी, तो क्या फील कर रहे हो एज अ सीनियर स्पिनर? और फिर सामने साउथ अफ्रीका की टीम को अभी आपने देखा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ खिलाड़ियों से वाकफियत तो है, तो कैसा देख रहे हो इस सीरीज को? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कि अच्छी टीम आनी शुरू हो गई है पाकिस्तान में। जैसे साउथ अफ्रीका की टीम, पहले श्रीलंका की टीम आई हुई थी, बांग्लादेश की टीम आई हुई थी, लेकिन अभी साउथ अफ्रीका की टीम आई है, तो ये एक चैलेंज है हमारे लिए। और दूसरी बात अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से, क्योंकि कंडीशंस होते हैं, अगर आप पिछले 5-6 सीरीज देखें तो हमारे ऑस्ट्रेलिया में हुए, न्यूजीलैंड में हुए, अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पे ज्यादातर मैं अगर बॉलिंग करूँ भी तो मैं फास्ट बॉलर को सपोर्ट करता हूँ। मैं रोल स्पिनर्स का यही रोल होता है वहाँ पे कि ज्यादा रन नहीं और फास्ट बॉलर को सपोर्ट करें, तो ये है कि उसकी वजह से उस तरह परफॉर्मेंस नहीं रही जिस तरह मैं पिछले कर रहा था, 5-5, 10-10 आउट कर रहा था। वो कंडीशन ये देखे, हमारे दुबई में मैचेस हो रहे थे, हमारे श्रीलंका में हो रहे थे, हमारे वेस्ट इंडीज में अगर आप देख ले तो वहां पे भी अच्छी परफॉर्मेंस रही, लेकिन कंडीशन की बात भी होती है। कुछ पिचेस ऐसे होते हैं जिसपे आपको फास्ट बॉलर को सपोर्ट करना होता है, तो इसी वजह से पिछले जो 5-6 सीरीज हमारे देख ले तो हमारे 2 मैच यहाँ पे हुए मेरे ख्याल में पाकिस्तान में, और इसके अलावा हमारे सारे सीरीज जो है तो वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड इसमें हुए हैं। तो परफॉर्मेंस अच्छी रही, इतनी बुरी तो नहीं रही, लेकिन उस तरह आउट नहीं करवाया जिस तरह 5-5, 10-10 आउट करता था, उस तरह आउट नहीं कर पाया। तफरीकों को कैसा देख रहे जी हो? जुबैर रजा, 1 मिनट विक्रम जी रजा को कैसा देख जुबैर एक्सप्रेस न्यूज। यासिर जी, आपसे क्वेश्चन ये है कि जाहिर है कि अभी परफॉर्मेंस की बात की गई तो आपका फिटनेस का इशू भी आया था, तो आप क्या समझते हैं कि अब कराची टेस्ट के लिए मेंटली और फिजिकली कितने आप प्रिपेयर्ड हैं? क्योंकि जाहिर है कराची की विकेट हमेशा के लिए स्पिनर्स के लिए साजगार रही है, और होपफुली साजिद खान आपके साथ होंगे। अगर साजिद खान की सपोर्ट आपको मिलती है तो ओवरऑल कैसे देखते हैं? थैंक यू। ये कि अल्लाह का शुक्र अभी तक तो कोई इंजरी मेरे फिटनेस के हवाले से तो कोई ऐसी बात नहीं है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने फिटनेस को, मैंने और ज्यादा इम्प्रूव किया हुआ है इस सीरीज के लिए काफी ज्यादा। और ये कि जो नए स्पिनर्स आए, ये अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पे होम सीरीज हो रहा है और हमारे जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आए स्पिनर वो हमारे मेरे साथ है अभी, तो अच्छा लग रहा है। उनके साथ नेट में भी बॉलिंग की और वो अच्छे स्पिनर्स है, अच्छा परफॉर्म करके आए, वैसे तो उम्मीद है जो भी खेलेगा इंशाल्लाह तो अच्छा परफॉर्म करेंगे यहाँ पे। जी शुएब एंड देन आमिर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम यासिर, मेरा सवाल जो है वो टोकन ऑफ लव है, और लोग तो उम्मीद करते हैं कि शायद मैं पूछूंगा तो आपसे थोड़ा सा तीखा सवाल पूछूंगा। खैर यासिर, आपने बड़ा अच्छा पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया है, अब बैट पैच आ गया तो कोई बात नहीं, हमें यकीन है आप वर्ल्ड क्लास हैं, दोबारा कम बैक करेंगे। 43 मैचेस में 227 आपके आउट हैं। आपसे ऊपर अगर हम देखें तो 67 मैचों में दानिश कनेरिया के 231 है, और 61 मैचों में 236 जो है वो कादिर अब्दुल कादिर के हैं, मोस्ट टेस्ट विकेट्स। तो आप मतलब यकीनी तौर पर टारगेट कर रहे होंगे, अभी 34 साल की उम्र भी है, कि रिटायरमेंट से पहले 300 कम से कम आप विकेट्स ले लें ताकि आप पाकिस्तान के टॉप
फाइव मोस्ट विकेट टेकर में जो है वो शामिल हो जाएं, इनसे ऊपर जो है वो सारे फास्ट बॉलर ही हैं, तो अभी एज भी है, मैचेस भी आपने कम खेले में है, तो टारगेट कर रहे हैं कि रिटायरमेंट से पहले 300 पूरा कंप्लीट कर लें? इंशाल्लाह कोशिश यही है कि अपने ज्यादा फिटनेस पे अभी वर्क कर रहा हूँ, उस पर कर रहा हूँ, तो मेरी कोशिश यही है कि इंशाल्लाह जितना भी मैं खेलूँ पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलूँ, परफॉर्म करूँ, तो इंशाल्लाह मेरा गोल भी यही है कि रिटायरमेंट से पहले जितने भी मैं मैचेस खेलूँ मैं इंशाल्लाह टॉप पे रहूँ और अपने जितने भी ज्यादा आउट हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए करूँ इंशाल्लाह। जी आमिर एंड देन अली एंड महमूद। जी अस्सलाम वालेकुम यासिर, आपके साथ जो ये जो दो तीन नए स्पिनर्स के नाम आए हैं, मतलब जो के नए हैं पाकिस्तान टीम के लिए, उनके बारे में थोड़ा सा आप अपना जरा इंप्रेशन बताइए, आपको थोड़ा सा हमको बताइए आपके क्या इंप्रेशन है उनके बारे में। ठीक है, अच्छे स्पिनर्स आए हैं, क्योंकि अगर नुमान देख ले तो एक्सपीरियंस बॉलर है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट काफी ज्यादा खेला हुआ है और वो उसने परफॉर्म भी किया इस साल काफी अच्छे, उसने पिछले साल भी आउट किए थे लेकिन इस साल उसने भी फिर परफॉर्मेंस दी है और टीम में आया, तो वो नेक्स्ट में भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है नुमान, और साथ में जो साजिद लड़का उसके पास वेरिएशन बहुत अच्छा है, ऑफ स्पिनर है, उसके जो बॉल रोटेशन जिस तरह उसका बॉल आता है तो उसकी फ्लाइट और तेज वो वेरिएशन के साथ बॉल कर रहा है, तो वो गुड स्पिनर है। अच्छा यासिर ये बताइए कि साउथ अफ्रीकन साइड भी जो है एशियन विकेट के लिहाज से स्पिनर्स की एक फौज लेकर आई है, तो आपकी निगाह में उनके कौन से स्पिनर्स हैं जो पाकिस्तान को मुश्किल कर सकते हैं? ठीक है, उनका जो स्पिनर है महाराज वो अच्छा, उसने परफॉर्मेंस दी है हर जगह, अगर आप देखें तो उसने परफॉर्मेंस दी है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा हमारे लिए। अच्छा यासिर, आप क्या समझते हैं कि जिस किस्म की प्रैक्टिस पिछले हम दो तीन दिन से देख रहे हैं कि कंडीशनल और बड़ी सिचुएशनल प्रैक्टिस है, ये कितनी हेल्पफुल साबित होगी टेस्ट मैच के लिए? ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये टेस्ट मैच की तरह हो रहा है कि अगर आप देखें तो और बंदे को बॉलिंग मिल रही है और बंदा लंबी लंबी बॉलिंग कर रहा है, मतलब अगर मैं देखूं तो पिछले दो दिन में मैंने 25-30 ओवर किए हैं, तो ये क्या ये लंबी बॉलिंग मिल रही है और ये टेस्ट मैच के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, क्योंकि फास्ट बॉलर को भी लंबी बॉलिंग मिल रही है और बैट्समैन को बैटिंग मिल रही है, ये गुड है, अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। जी अतीक। यासिर मैं ही पूछना चाहता था, नेशनल स्टेडियम की विकेट किस तरह की आपने रीड कर रहे हैं, और सकलैन मुश्ताक भी अब आए हुए हैं यहाँ पे, तो किस तरीके से टिप्स दे रहे हैं आपको? ये सकी भाई आए हुए और बहुत अच्छा वो टिप्स भी दे रहे हैं, साथ में खड़े होके जब बॉलिंग करते हैं तो बताते भी है कि क्या करना है, और अपने रिपीटेबल एक्शन पे भी वो मुझे बताते रहते हैं, और आज हमने एक ड्रिल भी की है, गूगली के लिए भी ड्रिल किए हैं, तो वो अच्छा है हमारे साथ कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज के लिए, क्योंकि हम मैच में तो इतनी ज्यादा वो नहीं कर सकते गुगलियाँ, लेकिन हम जब नेट से बाहर जाते हैं तो उसके अलग प्रैक्टिस करते दो दो तीन तीन ओवर, तो ये क्या उसमें अच्छे बॉल भी गिर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है बहुत फायदा हो सके भाई आने से। विकेट अच्छा है यहाँ पे, अगर देखे तो कराची में अगर देखे तो मैं यहाँ पे फर्स्ट क्लास के एक मैच खेला हूँ, उसमें मैंने आउट भी किया है, और वो विकेट सपोर्ट करता है यहाँ पे, स्पिनर्स को सपोर्ट करता है, तो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा स्पिनर्स के लिए। जी एहतिशाम भाई एंड देन बदी प्लीज। जी बदी आप प्लीज कर लीजिएगा, आई थिंक उनकी आवाज नहीं जा रही। अच्छा यासिर ये बताइएगा, काफी अरसे से आप पे जो परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, आप आउट नहीं कर रहे, तो काफी तनकीद भी की जा रही है कि यासिर आउट नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद जो जो भी टूर होता है या कोई भी हो उसमें यासिर इन लाजमी होते हैं, तो क्या कुछ यासिर ने खास तौर पर तैयारी की है, क्योंकि आप तो कंडीशन भी आपकी अपनी है पाकिस्तान वाली, यहाँ पर आपको सूट भी करती है, क्योंकि न्यूजीलैंड इंग्लैंड में आपसे वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाई जो है लोग चाह रहे थे, तो कितनी तैयारी आपने की है कि क्योंकि साउथ अफ्रीका एक बड़ी टीम है, इसके खिलाफ जो है यासिर आउट करे और पाकिस्तान टीम जीते? ये कि अप एंड डाउन तो होता रहता है परफॉर्मेंस में, कभी आप अच्छा परफॉर्म करते हो कभी आपसे अच्छा नहीं होता, तो लेकिन अप एंड डाउन ये क्रिकेट का हिस्सा है, अगर आप देखें तो पिछले अगर 2020 में देख ले तो स्पिनर्स में फास्ट बॉलर में सबसे ज्यादा मेरे आउट है, और देख ले तो 2020 में अगर आप वर्ल्ड में देख ले तो स्पिनर में सबसे ज्यादा मेरे आउट है। मैं या ये बात करूं कि मैं अपनी एफर्ट्स कर रहा हूं अपनी बॉलिंग पे, अपनी वेरिएशन पे, जिस तरह ओवर स्पिन उस पर ज्यादा वर्क मैंने किया, अभी न्यूजीलैंड में भी मैंने एक इनिंग में 37 ओवर्स किए हैं, 112 रन हुए, उसमें मैंने 3 आउट भी किया है, मतलब ये कि मैं फास्ट बॉलर के साथ जो रोल निभा रहा था कि उनके साथ जिस तरह फास्ट बॉलर थक जाते थे तो मुझे बॉल को दे देते थे कि आप आ जाओ आप ओवर करो फास्ट बॉलर को सपोर्ट करो, लेकिन उस पर भी अल्लाह का शुक्र है एक इनिंग में 3 आउट किए हैं,
ये कि बॉलिंग अच्छी जा रही है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अभी जिस तरह यहाँ पे बॉलिंग हो रही है, यहाँ पे जिस तरह मैं नेट्स में बॉलिंग की या जो मैं इस सिनेरियो उसमें बॉलिंग की है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस सीरीज में सबसे अच्छा परफॉर्म करूंगा। जी सलमान शाह, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक डेली कसौटी पेशावर से है। इब्तदाई तीन दिनों में विकेट का जो बिहेवियर है वो कब्रिस्तान साबित हो सकता है स्पिनर के लिए। आप क्या समझते हैं, आप अपना किरदार पहले इनिंग में ज्यादा मौसर तरीके से अदा करेंगे या दूसरी इनिंग में इस बात का इंतजार करेंगे कि विकेट के अंदर वेयर एंड केयर आए? आपके पास तजुर्बा है, आपने फास्टेस्ट 100 विकेट भी हासिल की हैं। क्या पाकिस्तान 13 साल बाद एक ऐसा मौका है कि आप अपने किरदार को कितना समझते हैं और हम आपसे किस तरह की उम्मीद रखें? डेफिनेटली अगर आप देख ले तो टेस्ट के जो मैच होते हैं उसके पहले पहले एक दो दिन थोड़ा सा मुश्किल होता है स्पिनर के, उस तरह ब्रेक नहीं होता, लेकिन हमें एक्सक्यूज नहीं होने चाहिए, एक्सक्यूज नहीं। अगर हमारी बॉलिंग आती है तो हमें सबसे अच्छा करना चाहिए, यही डिफरेंस होता है अच्छे बॉलर्स में और उसमें, कि आप अगर आपको जिस तरह भी विकेट मिलता है आप अपने लाइन और लेंथ पे अपनी वेरिएशन के साथ बॉल करोगे तो वहाँ पे आपको कामयाबी मिलती है, चाहे वो पहला दिन हो या दूसरा दिन हो, क्योंकि यहाँ पे विकेट इस तरह है कि आपको सपोर्ट करते हैं। ये कि उसमें ये नहीं है कि बिल्कुल आपको ब्रेक नहीं मिलता या बिल्कुल आपको वो नहीं मिलता। कराची की विकेट ऐसी है, अगर आप पहले दिन भी अगर आप जगह पे बॉल करें तो आपको लाजमी उसमें कामयाब हो सकते हैं। जी इमरान, एंड देन बाजिफ। अच्छा यासिर, आपने अभी जिक्र किया कि 3 विकेट ली 5 विकेट ली, ये विकेट तो आप ले रहे हैं मगर आपकी बॉलिंग पे रन्स भी बहुत ज्यादा बनते हैं, तो उस पर कोई काम कर रहे हैं शकलैन मुश्ताक के साथ मिलकर? ये क्या आपने उस पर फील्डिंग उस पर काम कर रहा हूँ और डिस्कस भी करता हूँ सकलेन भाई से। दूसरा ये कि हाँ रन्स होते हैं क्योंकि अब मैंने 37 ओवर्स किए थे, 112 रन दिए थे, अगर आप 37 ओवर करते हो एक इनिंग में अब वो रन्स होते भी हैं। और अब ऐसे विकेट पे जहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं मिलता, मतलब ब्रेक नहीं होता उस तरह और आपको फास्ट बॉलर को सपोर्ट करने के लिए आते हो, तो वहाँ पे कभी कभी कभार जब फास्ट बॉलर अच्छा कर रहे हो तो जब स्पिनर आते हैं तो वो स्पिनर्स को अटैक करते हैं, कभी कभार उसमें रन्स भी होते हैं। और कोशिश यही है कि अभी जो सकलेन भाई के साथ जो मैं अपनी फील्ड पे वो डिस्कस करता हूँ अभी मीटिंग्स वगैरह में सारी चीजों में, तो हम हर चीज के लिए प्लान कर रहे हैं और इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। जी बाजिफ। अस्सलाम वालेकुम, यासिर बाजिफ जब्बार फ्रॉम cricket.pk। यासिर, एज फैक्टर के साथ साथ आपका ग्राफ थोड़ा नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, तो आप उम्मीद करते हैं कि जी कमबैक कर लेंगे या डाउनफॉल की जानिब जा रहे हैं? दूसरा सवाल मेरा ये, आपने कहा कि जी महाराज आपकी टीम के लिए, चलें ठीक। एज के साथ, क्योंकि अभी मैं एज है 34, ये मैं नहीं कह रहा कि 34 नहीं है, लेकिन मैं इंशाल्लाह मुकम्मल फिट हूँ और मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ। कोशिश यही है कि इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करूँ और ये जो मैंने टारगेट किया हुआ ये होम सीरीज इंशाल्लाह, और इसमें शो करूंगा इंशाल्लाह अपनी फिटनेस भी और अपनी बॉलिंग। तो फिर मेरे ख्याल में एज तो मेरी इतनी नहीं है, 34 तो इतनी नहीं है खैर, लेकिन कोशिश मेरी यही है कि दूसरी यंगस्टर से मैं अच्छा करके दिखाऊं। आवाज आ रही है? नजीर आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, आप स्टार्ट प्लीज करें। कोई और किसी का क्वेश्चन हो प्लीज, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे उसके बाद हमने ट्रेवल करना है। प्लीज उबैद, आपका क्वेश्चन है प्लीज। जी मेरा क्वेश्चन ये है यासिर, के जो यासिर शाह हमें यूएई में नजर आता था वो दूसरे ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहा, तो अब क्या वजह है उसके, मतलब ज्यादा क्रिकेट खेलने की वजह से उसमें कुछ फर्क आ रहा है या हमें अब उसमें कुछ चेंज नजर आएगा? पाकिस्तान में आप खेलने जा रहे हैं तो क्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगर आपको चांस मिलता है, क्योंकि लास्ट मैच में आप ड्रॉप हुए थे, तो अब आप क्या नया करेंगे? मेरे ख्याल में आप कौन से ग्राउंड की बात कर रहे हैं कि दुबई वाले जो विकेट्स थे वो स्पिनर्स को हेल्प थे और वहाँ पे स्पिनर को सपोर्ट मिल रही थी, तो वहाँ पे लाजमी बात है स्पिनर्स परफॉर्म करेंगे। उस टाइम अगर आप देखें तो फास्ट बॉलर के इस तरह परफॉर्मेंस नहीं थी क्योंकि वहाँ पे स्पिन को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था। दूसरी बात ये, अगर आप वेस्ट इंडीज़ में देख ले तो वेस्ट इंडीज़ में सबसे ज़्यादा मैंने आउट किए हैं वहाँ पे। अगर आप उसमें देखें श्रीलंका में देखें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरे आउट थे।
अगर आप वहां पे इंग्लैंड में देखें तो इंग्लैंड में अभी तक स्पिनर्स में जितने भी स्पिनर्स यहां से गए सबसे ज्यादा मेरे आउट है। मेरे ख्याल में कि कुछ कंडीशन ऐसी होती है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया देखें वहां पे अगर आप देखें तो स्पिनर्स के लिए वो आपकी स्पिनर्स के लिए कुछ नहीं छोड़ते क्योंकि उनके फास्ट बॉलर अच्छे हैं और वो फास्ट बॉलर वहाँ पे आउट भी करते हैं, तो इसी वजह से आपको वो कंडीशन वो देते नहीं है कि स्पिनर्स वहाँ पे कोई अच्छा परफॉर्म करे। या आप न्यूजीलैंड में देख लेते, न्यूजीलैंड में भी फास्ट बॉलर ही आउट करते हैं, आप सिर्फ फास्ट बॉलर को सपोर्ट ही कर सकते हो। तो यही बात है कि इंशाल्लाह यहाँ पे चांस मिलेगा और यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करूंगा। देखिए ड्रॉप ये था कि उस वक्त टीम की सिचुएशन ऐसी है जो टीम को जो चीज चाहिए होती है वही होता है। जिस तरह जफर गौर खेला है, को खेला ऑलराउंडर चाहिए यहाँ पे, इस टाइम हमें ऑलराउंडर खिलाना चाहिए। मैंने कहा जिस तरह टीम के लिए अच्छा है वो कर, क्योंकि ये टीम मैनेजमेंट डिसीजन का मेरा डिसीजन नहीं होता। तो ये कि जब भी इंशाल्लाह मौका मिलेगा, यहाँ पे मिलता है या कहीं भी मिलता है, तो इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करूंगा और साबित करूंगा कि यासर शाह जी। थैंक यू वेरी मच आप सबका ज्वाइन करने का, कल फिर इसी